हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू चेक रिफंड स्टेटस ऑफ ITR। आप लोग रिफंड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो ITR का, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा तीन मेथड कैसे आप लोग ITR रिटर्न जो है स्टेटस चेक कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला मेथड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाना है और इधर आप लोग देख सकते हो क्विक लिंक्स और उसके अंडर में बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस, तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस और एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये आपके डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा जब आप लोग ITR फाइल किए होंगे। लास्ट स्टेप में आप लोग को डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट में एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो ये जो है ये पहला मेथड है। नेक्स्ट मेथड में आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर भी पा सकते हो, ठीक है। तब तक थोड़ा वेट कर लीजिएगा और मैं यहाँ पे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर और फिर मोबाइल नंबर एंटर करने जा रहा हूँ और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस प्रोसेस्ड विद नो डिमांड और रिफंड, ठीक है। तो इस तरह आप लोग पहला मेथड से आप लोग चेक कर सकते हो अपना इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो और आप लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर भी जानना चाहते हो अपना, देन यहाँ पे सेकंड मेथड में आप लोग को मैं फुल डिटेल में बताऊंगा कैसे आप लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर और ITR स्टेटस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गो टू होम पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो टॉप कॉर्नर में लॉगिन और रजिस्टर। तो यहाँ पे आप लोग को लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आप लोग को यूजर आईडी एंटर करना है, यानी कि पैन नंबर, आधार कार्ड या फिर दूसरा कोई यूजर आईडी, ठीक है। और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने पैन एंटर किया हुआ था, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोग को प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर मैसेज पे टिक करना है और फिर यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइल सक्सेसफुली लिख रहा है, ठीक है। रिटर्न फाइल्ड ऑन दिस डेट, रिटर्न वेरीफाई ऑन दिस डेट, रिटर्न प्रोसेसिंग कंप्लीशन, ठीक है। तो मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कैसे आप लोग चेक कर सकते हो वो डिटेल में और आप लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर भी पा सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा टैब मिल जाता है, तो यहाँ पे एक टैब होगा ई फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ई फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। और इधर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को सेकंड जो ऑप्शन है व्यू फील्ड रिटर्न, उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा डिटेल में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका ITR जो भी आप लोग फाइल के होंगे यहाँ पे शो कर रहा होगा, फील्ड बाय सेल्फ, फिलिंग डेट, फिर फिलिंग सेक्शन, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ से आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग फॉर्म डाउनलोड करते हो या फिर रिसिप्ट भी डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे भी आप लोग को एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है। और व्यू मोर पे क्लिक करने से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और डिटेल में आप लोग को पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर और ITR का स्टेटस आप लोग चेक कर सकते हो ऑनलाइन मोड में, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को थर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ, तो मैं अपना अकाउंट में लॉग आउट करने जा रहा हूँ। तो थर्ड मेथड के लिए आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस यूजिंग द पोर्टल रिलेटेड साइट, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटेड साइट में आ जाना है और इधर आप लोग देख सकते हो इनकम टैक्स इंडिया NSTL ट्रेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को NSTL के ऊपर क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और हम लोग आ चुके हैं NSTL का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहाँ पे आप लोग को कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा टैब मिल जाता है NSTL का वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सर्विस के ऊपर क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को आ जाना है स्टेटस ऑफ टैक्स रिफंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और फिर नीचे आप लोग को स्क्रॉल करना है और इधर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो स्टेटस टैक्स रिफंड में इनकम टैक्स रिफंड, रिफंड ट्रैकिंग FAQ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को रिफंड ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दो चीज़ है, टैक्स पर रिफंड पैन और दूसरा है डिडक्टर रिफंड टैन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को पैन नंबर और असेसमेंट ईयर एंटर करके आप लोग को कैप्चा एंटर करना है और फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देने से आप लोग का जो डिटेल है वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर असेसमेंट ईयर 2022-2023, फिर यहाँ पे आप लोग को कोड एंटर करना है और फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड कुछ इस टाइप का आप लोग को मिल जाएगा अगर आप लोग को स्टेटस सब सही है, ठीक है। मेरा जो है स्टेटस नहीं दिखा रहा है फिलहाल, अभी कुछ दिन में ये दिखा देगा स्टेटस, ठीक है। अगर आपका स्टेटस कंप्लीट हो चुका होगा तो यहाँ पे आप लोग को शो कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग तीन मेथड में इजीली चेक कर सकते हो अपना ITR का रिफंड स्टेटस ऑनलाइन मोड में। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।